अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हॉस्पिटल जाके आए, अभी एक इंजेक्शन दला लेके आई मैं। तो आने के बाद वहाँ से अभी आके नाश्ता कर रही हूँ। तो 10 बजे बुलाई थी डॉक्टर ने, 10 बजे गई, इंजेक्शन दिलाई, आई अभी नाश्ता करने के लिए। अभी इस चीज़ का नाश्ता करके दिखाऊंगी मैं, इस चीज़ का। इसे यहाँ पर मंडक्की बोलते हैं, कोई कोई मुरमुरे बोलते हैं, कोई इसका बहुत कुछ नाम होगा शायद, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसे हमारे साइड मंडक्की बोलते हैं। तो ये अच्छे से इस पानी में धो के भिगाएंगे, भिगा के करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हरिया धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटो और ये जो छिरी दाल बोलते हैं इधर यहाँ पे, तो इसका हम आटा करके लास्ट में डालेंगे। इसकी ज़रूरत है जीरे की, हल्दी कटे की और राय की, इतनी की ज़रूरत है। मैं बनाने टाइम आपको दिखाऊंगी, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने डाल दिया इसमें 2 स्पून तेल और जीरा और राई और थोड़ा सा करी पत्ता, इसे यहाँ पे कर्नाटक में बोलते हैं गिर मंडक्की, ऐसा कुछ बोलते हैं यहाँ पे। हमेरी, हुबली और धारवाड़ से बहुत फेमस है ये वाला। तो पोहे के मुताबिक ये बहुत टेस्टी रहता है, अच्छा लगता है। सेम पोहा जैसा ही, पोहे का टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। तो जी आप भी एक बार बना के ज़रूर ऐसा करके खाइए। एक एक गांव में अलग अलग तरह बनता है, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में अलग अलग टाइप बनता है। तो ये हमारे कर्नाटक में ऐसा टाइप में बनता है, तो एक बार ज़रूर बना के खाइए। मैं अभी आहिल को हॉस्पिटल लेके फर्स्ट गई थी, उसे इंजेक्शन दिला के लेके आई, उसके बाद में नाश्ता बना रही थी। तो हमारा नाश्ता अभी बन रहा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कोई नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन सी नई नई वाली डिश चाहिए वो भी बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और आज शनिचर है तो आज मेरा बहुत सारा काम है, वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। अभी नहीं दिखाऊँगी, उसका भी एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, 5 मिनट का होगा। तो आज बहुत ज़्यादा काम था तो मैं फटफट से कर ले रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद। ये हो रहा था आहिल के लिए नाश्ता, इसको मिर्ची खाना मना है, मिर्ची चिकन मटन खाना मना है। तो उसके लिए 1 महीना तक ऐसा ही बनेगा, अभी टिक्का वाला कुछ नहीं बनेगा। तो अभी 7 दिन के बाद फिर से मुझे बुलाई है तो जाना पड़ेगा, देखेंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे। राई, जीरा, करिया पत्ता डालने के बाद प्याज, हरी मिर्ची, कोथिमीर, टमाटो को डाली, नमक और हल्दी पाउडर को भी डाल दी। अच्छे से इसको अच्छे से भुनना चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के चलता है, नहीं डाल के चलता है, उसको हम भिगाएंगे ना, इसको भिगाने का रहता है। तो इस टाइम में है ना, जो अच्छे से पक रहा है अभी, तो इस टाइम में इतनी चीनी डालना चाहिए, टेस्ट अच्छा लगता है इतनी चीनी डालने से। फर्स्ट टाइम भी नहीं डालना, लास्ट में थोड़ा ये पानी छूटता है ना, तभी चीनी डालने से चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बन रहा है आहिल के लिए नाश्ता। आहिल ब्रेड खाया था सुबह में, फिर भी उसके लिए दूध और कुछ बना रही हूँ, खीर, थोड़ा सा स्वीट बना रही हूँ। उसको अभी हरी मिर्ची देना मना है इसीलिए। तो अब मैं आग भी स्लो कर रखी हूँ, तो इसको भी पीस के रखी हूँ, ये लास्ट में जाएगा। देख लीजिए कितना अच्छे से पीस के रखी हूँ, ये लास्ट में जाएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये धोने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको, इस चीज़ को धो के डालने टाइम दिखाऊंगी आपको, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इसको हम क्लीन करके इस पानी से, ये अभी पक रहा है मेरा, ये पक रहा है ना, देखो ऐसा करके, ऐसा ऊपर ऊपर वाला इस पानी में डाल देंगे। तो जी फ्रेंड, इसे भिगाना क्यों ज़रूरत है, ऐसा भी बनाते हैं, ऐसा भी सूखा वाला भी बना के रखते हैं, और सिर्फ इसमें ये मूंगफली और वो बना के भी रखे तो वो भी महीनों से रहता है। ये भिगा के झटपट बनाकर झटपट खाने के लिए ये ऐसा भिगा के रखते हैं, लेकिन भिगा के जो बनाएंगे ना तो क्लीन से क्लीन होता है। आपको दिखाऊंगी मैं पानी कितना गंदा रहता है उसका पानी। तो ये ऐसा बना के खाए तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर है ना इसे कढ़ाई में नहीं बनाते, ज़्यादातर इसे गोल हांडी में बनाते हैं हमारे वो साइड, उत्तर कर्नाटक साइड।
हांडी में बनाए तो ही अच्छा लगता है। ये हम घर में बना रहे हैं, देख लीजिए पानी कितना गंदा रहता है, इसीलिए धो के बनाए तो अच्छा रहता है। अहिल के लिए बना रही थी, दूध पहले बॉईल करा और मेरे घर में मलाई मलिदा था, मलिदा वो आंटी ने, उसके आंटी ने मलिदा दिया थे, तो वो मलिदे को डाल के मैं उसके लिए भी नाश्ता बना ली और हमारे लिए भी बना ली। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, सेम पोहे जैसा ही है, लेकिन पोहे से भी बेस्ट ये लगता है मुझे। और इसके ऊपर जो मैं वो इसका आटा बना के रखी थी ना दाल का, वो आटा भी डाल देंगे, इसे पुटानी का आटा बोलते हैं ये साइड, तो पुटानी का आटा भी डाल देंगे। तो बन गया हमारा मज़ेदार सा नाश्ता, एक बार आप ज़रूर बना के खाइए, हर जगह में मिलता है, तो आप एक बार ऐसा बना के तो जी खा ये के रेडी देख हो लीजिए। गया, तो देख लीजिए कितना अच्छा मेरे लग रहा है। चैनल जो को पोहा प्लीज होता है ना, सपोर्ट पोहे के कीजिए, जैसे ही रहता है आपका ये, बहुत थोड़ा बहुत अलग शुक्रिया। रहता है। ये ज़्यादातर कढ़ाई में नहीं बनाते, ये किस में बनाते हैं मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। ये हमारे गांव साइड जो कर्नाटक में फेमस है, इसे बोलते हैं गिर गिर मंडक्की, ऐसा बोलते हैं गिरी गिरी मंडक्की शायद, हाँ इनको पूछ के बताती हूँ। ये हुबली हवेली साइड बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो कुछ भी बड़ा फंक्शन हो तो वहाँ पर ये इस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ इसको अच्छे से सूखा लगा के रख देते हैं, तो कोई भी मेहमान आए तो उनको देने का ये ऐसा रहता है। तो देख लीजिए ये, और महंगा भी मिलती है प्लेट, और पेट भी भर जाता है, खाने में भी टेस्टी, हेल्दी भी रहता है। तो देख लीजिए, अगर पसंद आया तो ज़रूर बना के खाइए, कितना मस्त बना है, खिला खिला बनता है देख लीजिए, और पोहे से ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। तो मैं यहाँ प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। इसमें वहाँ पे होटल में है ना, इसके साथ मिर्ची का भजी देते हैं, मिर्ची का वड़ा देते हैं, और प्याज एक नींबू देते हैं इसके साथ में। मैंने कुछ नहीं बनाया, तो ये लग गई हमारी प्लेट, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा खारा। तो आपको कैसी लगी मेरी प्लेट, तो देख लीजिए ये है यहाँ का फेमस नाश्ता। अच्छे से नहीं आ रहा, मंडक्की नहीं खोलाना, मुझे खारा नहीं खोलाना, मंडक्की खोलाना। आज जाए मैं अपने सड़क बाहर को जो आप फर्स्ट देख रहे थे ना नाश्ते का, वो पहले मैं हॉस्पिटल आई थी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाई थी, तो मैंने ऐसा उल्टा पलटा करके एडिट करके डाल दी। तो ये है यहाँ की हॉस्पिटल, फर्स्ट में येलो कलर की दिख रही थी ना, वो पुरानी वाली हॉस्पिटल है, ये जो नई बन रही है हॉस्पिटल। प्राइवेट के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, क्लीन भी उतना ही है और देखने का भी इतना ही अच्छा देख रहे हैं। मैं पहली बार गई थी जब आहिर को कुत्ता चाहा, तो पहली बार गई हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल। हम जाते हैं प्राइवेट में, सच में प्राइवेट के हिसाब से है ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, हम नहीं जाते थे। देखिए मुझे अभी एहसास हो रहा है कि नहीं जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, क्यों इतनी सुविधा मिलती है यहाँ पे, क्यों नहीं जा सकते हम लोग, जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना क्लीन था, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे से है, पहले जैसा नहीं है, गंदगी नहीं है, देख लीजिए कितने साफ थी। और जाने के बाद ही पटक से नर्स आई, डॉक्टर आई, आने के बाद उसका पूछी तो पहले वाला इंजेक्शन हुआ है ऐसा बोली, तो सेकंड वाला इंजेक्शन भी दे दी, और 7 दिन के बाद फिर से बुलाई। ऐसा नहीं है कि वो लाओ ये लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पर्चा बनाई है क्या, पूछी पहली बार, नहीं वो फर्स्ट वाली मैडम मुझे पर्चा नहीं दी थी ऐसा बोली, क्या दी थी मुझे याद भी नहीं था, नहीं दी थी बोली, तो उसको पता था वो का कुत्ता चबा है क्या, पूछी हाँ बोली, तो दूसरा इंजेक्शन भी दे दियो। तो देख लीजिए यहाँ का हॉस्पिटल मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सरकारी अस्पताल में इतना अच्छे से देखते भी हैं। तो इस बार इंशाल्लाह अगले बार भी कुछ नहीं होंगे, लेकिन हुआ तो मैं गवर्नमेंट में ही जाऊंगी। दर्द हुआ? घस घस ले, घस ना हो लगा, मैं घसू ये है। तो जी ये है यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट। तो जी यहाँ हॉस्पिटल का काम ख़त्म होने के बाद मैं जा रही थी, मुझे कुछ काम था मैं मार्केट में,
मेरा धागा ख़त्म हो गया था मशीन का, तो मैंने धागा ले ली और वही दिखाऊंगी। आहिल के हाथ में मोबाइल पकड़ा दी थी मैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और खूब सारी सब्सक्राइब कीजिए। तब और मैं कल मिलूंगी आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, कल रोज़ा रख के मिलेंगे।